मुझे ऐसा लगा था कि मैंने ज़्यादा बोल दिया है इसलिए मैंने इसको मैसेज किया कि आई एम सॉरी तो कहती है कि अंकित आई एम सॉरी नाउ इट्स ओवर मुझे ब्रेकअप करना है मैंने वो मैसेज पढ़ा और उसके बाद उसको कोई रिप्लाई नहीं किया मुझे समझ नहीं आता ये क्या चल रहा है ब्रेकअप ऐसा तो कभी नहीं हुआ था मेरे साथ पहले कभी मुझे लगा गुस्सा में है इसलिए बोल रही है थोड़ी देर के बाद मैंने उसको फिर मैसेज किया कि तुम होश में तो तुम क्या बोल रही हो उसका डीपी गायब था मैं समझ गया था मुझे ब्लॉक कर दिया अब लगने लगा था की सच में ब्रेकअप हो गया है मुझे समझ ही नहीं आया था की अचानक क्या हो रहा है मेरे साथ मैं बहुत कंफ्यूज था फिर सोचा उसके दोस्त को कॉल करता हूँ पूछता हूँ की वो क्या बोल रही कुछ बोले तो मुझे डायरेक्ट ब्रेकअप क्या होता है मैंने उसके दोस्त सलोनी को किया मैंने बोला देखो तो यार क्या हो गया पता नहीं क्यों मुझे ब्लॉक कर दिया और बोलती तो कहती है मुझे कुछ नहीं पता रुको मैं उसको कॉल करती हूँ मैं बोला हाँ यार प्लीज कॉल करे पूछो थोड़ी देर के बाद मेरा फोन बजता है मैंने देखा तो सलोनी का कॉल आया था मैंने कॉल उठाया और सीधा उससे पूछा कुछ बताया उसने तो, तो कहती है हाँ यार मैं बोला क्या तो कहती है अंकित तो वो इस बार सीरियस है वो तुमसे ब्रेकअप करना अच्छा। चाहता और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ मैं बोला पर क्यूँ अचानक हुआ क्या तो कहती है मुझे नहीं पता लेकिन बोल रही थी इस बार ज्यादा सीरियस है मैं बोला यार उसको प्लीज समझाओ उसको पता नहीं क्या हो जाता रह रहेगा बोली ठीक है तुम टेंशन मत लो मैं उसको समझाती हूँ मैं बोला सुनो सुनो फोन मत काटो मेरे पास एक प्लान तुम उसको कहीं बाहर लेके जाओ और मैं भी वहाँ पे आता हूँ ये ज्यादा बेटर होगा उसको समझाने के लिए क्योंकि अगर मैं उसके घर जाऊंगा ना तो, तो सीन कुछ ज्यादा क्रिएट हो जाएगा तो मैं नहीं चाहता उसके घर जाने का तो एक काम तुम उसको बाहर कर बाहर लेकर ही आओ कहीं पे तो कहती चल ठीक है मैं तुमको बताती हूँ बोला ठीक है थोड़ी देर के बाद उसके फ्रेंड सलोनी का मुझे कॉल आता है कहती है अंकित मैंने उसको बोला है बाहर मिलने के लिए लेकिन वो मुझे पहले ही वॉर्न कर दिए कि प्लीज अंकित नहीं आना चाहिए अब देख यार मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया अब बताओ क्या करना है मैं बोला उसको यार प्लीज रिक्वेस्ट करके एक बार में से तू बात करवा देना उससे बाकी मैं सॉर्ट आउट कर लूंगा तो कहती है यार उसने मुझे खुद मना कर दिया अब मैं क्या करूँ अगर तुम कहीं आते भी हो तो मेरी फ्रेंडशिप ना खराब हो जाए मैं बोला बात तो तेरी भी सही है चल कोई नहीं ठीक है और ये बोल के मैंने फ़ोन कट कर दिया मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कैसे उससे मिलूं कैसे उससे बात करूं मेरा उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था पर वो कहते हैं ना कि जब सारा रास्ता बंद हो जाता है तो एक रास्ता खुला रहता है भगवान का मैं गया था मंदिर मैं सोचा मंदिर जाके भगवान जी से प्रे करता हूँ कि भगवान जी प्लीज मुझे उससे मिला दीजिए मैं मंदिर से निकल ही रहा था तो देखा वो एंटर कर दी है इतना ज्यादा खुश हुआ कि मैं आपको बता भी नहीं सकता मैंने तुरंत जाके उसको बोला अरे यार क्या हो गया तो मुझे को ब्लॉक क्यों कर दी तो कहती है अंकित मुझे तुमसे बात नहीं करना मैं बोला प्लीज यार बताओ ना हुआ क्या है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को भी बोला कि हम लोग मिलते हैं तो कहती हो तुम कि मुझे उससे नहीं मिलना ऐसा क्या कर दिया मैंने यार बस मुझे बताओ मेरी गलती क्या है तो कहती है कुछ नहीं तुम्हारी गलती कुछ नहीं है सारी गलती तो मेरी है मैं बोला देखो ऐसे मत बोलो जो भी बात है तुम प्लीज मेरे को बताओ बैठ के आउट करते हैं ना जो भी बात है तो कहती है देखो बैठ के अब शॉर्ट आउट करने का मतलब कुछ भी नहीं बनता है मुझे तुमसे नहीं बात करना है और हमारा जो भी रिलेशनशिप था यहीं तक था अब इसे हम ओवर करते हैं मैं बोला तुम यार ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुमको नहीं पता मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ कल से जब से तुमने मेरा कॉल और तो और तुमने मुझे व्हाट्सएप पे भी ब्लॉक कर दिया यार ये क्या बात हुआ एक बार बात तो करो तो कहती अंकित प्लीज़ चले जाओ वरना मैं चले जा रही हूँ तो मैं बोला कि देखो मैं जा रहा हूँ बट तो मुझे पता है तुम जरूर मैसेज करोगी तो कहती है मैं नहीं मैसेज करूंगी पर मुझे पता नहीं क्यूँ मनी मन ऐसा लग रहा था कि उसका मैसेज जरूर आएगा मैं घर गया और अगले दो तीन दिन तक मैं बहुत सैड था तीन के बाद मुझे उसके नंबर से मैसेज आता है अनब्लॉक होकर हेलो मैंने पहले ही लिखा कि मुझे पता था तुम मेरे बगैर रह ही नहीं सकती तुम जरूर मैसेज करोगी और देखो तुमने मैसेज किया भी तो कहती है कि अंकित देखो आ, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए मैसेज किया है कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता है जितना कुछ था हमारा बहुत अच्छा था और अब हम लोग नहीं रह सकते मैं बोला रीज़न तो कहती है कोई रीज़न नहीं है बस मुझे पढ़ाई करना है और वैसे भी ट्वेल्थ के बाद तुम्हें पता है मैं बाहर जा रही हूँ मैं बोला तुम ट्वेल्थ के बाद बाहर जा रही हो अभी बात नहीं करने का क्या मतलब बनता है तो कहती है मतलब बहुत है चलो मैं बाद में बात करती हूँ चलो अब आगे की स्टोरी मैं आपको कल बताता हूँ